अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में वेलकम करती हूँ, जो कि एवरीडे साइंस के पोर्शन से थे। और आज भी जो है हम एवरीडे साइंस का एक और पोर्शन देखने जा रहे हैं, एक और सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है बायोलॉजी। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा जी, जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, हमारे पास इकोलॉजी डील्स विद ऑप्शन ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल रिलेशंस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो इकोलॉजी की डेफिनेशन है ना वो समझ लेते हैं कि इकोलॉजी ऐसी स्टडी को कहते हैं कि जिसमें एक जगह पे रहने वाले किसी इंसान का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक है उसको हम स्टडी करते हैं। यानी अब एक इंसान जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं लिविंग थिंग्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। ए बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं जो कि नॉन लिविंग है, जैसे अगर हम एयर की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं हम कि एक इंसान इन सब चीजों से किस तरह इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा डी, बोथ ए एंड बी, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। अच्छा, ये आप डायग्राम भी देख लें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इकोलॉजी का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसमें बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, नॉन बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इकोलॉजी हम कहते किसको है। अच्छा जी, जो हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज है वो है जी, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डैश लेवल, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी टिश्यू एंड ऑप्शन डी कम्युनिटी। अब जो हमारे पास एक जो ह्यूमन बीइंग होता है ना स्टूडेंट्स, उसके बनने के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यानी पहले हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है, फिर उसके अंदर जो है हमारे पास टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर हमारे पास ऑर्गन बनता है, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद जाकर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो हमारे पास हिस्टोलॉजी होती है ना, ये हमारे पास टिश्यूज की स्टडी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शो किया हुआ है न्यूरल टिश्यू है, ठीक है, मसल टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास टिश्यू। टिश्यू अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, जब कुछ सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना तो हम उसको टिश्यू कह देते हैं। यानी वो होता, टिश्यू इज द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शंस। जैसे यहाँ पे न्यूरल टिश्यू है तो वो हमारे जो है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही पाए जाएंगे। जो मसल टिश्यू है वो हमारे मसल्स के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक हो गया। इनके जो फंक्शन होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा जी, जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड एमसीक्यूज है वो है हमारे पास स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज नोन एज, ऑप्शन ए बायोजियोग्राफी, ऑप्शन बी जू जियोग्राफी, ऑप्शन सी एनिमल्स जियोग्राफिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि स्टेटमेंट के अंदर क्या है, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे उसने एनिमल्स का हिंट दे दिया, तो इसका मतलब है हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो है जू जियोग्राफी। जिस तरह हम लोग देखते हैं ना कि जहाँ पे एनिमल्स होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, जू। तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स की, उसको उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, जू जियोग्राफी। अगर यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों होता तो फिर आंसर होना था बायो जियोग्राफी, ठीक हो गया। चलें जी, तो राइट ऑप्शन इज बी। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज फोर। अच्छा जी, जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फोर है वो है जी,
यूनिसेल्यूलर प्लाज्मोडियम इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और पैथोलॉजी। जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है ना, ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो अगर हमने प्लाज्मोडियम को स्टडी करना हो तो उसके लिए हम माइक्रोबायोलॉजी में उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी। जो ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी, उसमें हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पैथोलॉजी है, ये एक मेडिकल की फील्ड कह लें आप लोग, इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो जरासीम वगैरह हैं वो किस तरह बीमारियां करते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनसे हम किस तरह डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। चलें जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, ये एक सिंपल सा एमसीक्यूज है। स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशन इज, ऑप्शन ए सी बायोलॉजी, ऑप्शन बी ओशनोग्राफी, ऑप्शन सी मेरीन बायोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज ओशन इकोलॉजी। तो जो मेरीन लाइफ को हम स्टडी कर सॉरी ओशन की जो लाइफ है उसको जो स्टडी करने के लिए फील्ड होती है वो हमारे पास क्या होती है, ओशनोग्राफी, ऑप्शन बी। ठीक हो गया जी, ये साइड पे आप देख रहे हैं पिक्चर में ओशन लाइफ को। चलें जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इंसुलिन प्रिपरेशन कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब सबसे पहले हमने देखना है इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन बेसिकली हमारे पास एक हॉर्मोन है, ठीक है, जिसकी नेचर क्या है, प्रोटीन है। यानी बेसिकली ये प्रोटीन है लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक हॉर्मोन है, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। तो नेचर ने क्या किया हुआ है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो हमारी जो पेनक्रियाज है, ठीक हो, उस वो क्या करती है कि वो इंसुलिन रिलीज करती है जो कि हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, इंसुलिन प्रिपरेशन कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो जिन लोगों को शुगर हो जाती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बाजू का जो उनकी पेनक्रियाज है वो जितनी इंसुलिन हमें चाहिए हमारी बॉडी को उतनी वो रिलीज नहीं कर रही होती, तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं कि इसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है एक बड़े लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए जो फील्ड होती है वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे, इसके अंदर होता क्या है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर ना एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट करता रहता है। तो ये एक ह्यूमन का सेल है, उससे हमने वो जीन्स ली हैं जो कि इंसुलिन बनाती हैं। वो जीन्स लेकर हमने यहाँ से कट करके, हमने ये जो यहाँ से कट करके इसके अंदर हमने डाल दी है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का क्या होता है कि ये हर 20 मिनट बाद ना रेप्लीकेट करता है, हर 20 मिनट के बाद। तो यानी अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है तो 20 मिनट के बाद वो दो हो जाएंगे, फिर मजीद 20 मिनट के बाद वो दोनों रेप्लीकेट करेंगे। तो इस तरह बहुत थोड़े टाइम में ये जो है हमारे पास इंसुलिन है ये बनती रहती है उनके अंदर, और फिर हम उनसे एक्सट्रैक्ट करके इसको हम फिर मार्केट में ले आते हैं। ठीक हो गया, तो राइट ऑप्शन इज सी। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास है, द मेन पर्पज ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स इज टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, टू कम्बैट इन्फेक्शन, टू कैरी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ अबव। तो जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जरासीम दाखिल हो रहे हैं वो हमारी हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, उनसे लड़ना जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। आम जुबान में आप कह लें कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, यानी कोई भी बाहर से कोई भी जरासीम आएगा तो ये उसके साथ उसको खत्म करेंगे, उससे लड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया, चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. टर्म वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी एमिल फिस्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोशलैंड. तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है जी, एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन ए. अब ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसके लिए इसके हवाले से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ जल्दी जल्दी. ये एक बंदा था 18th सेंचुरी में. ये मतलब रिसर्चर था. तो इसने देखा कि लोगों को जो एक इसके मतलब कह लें कि घर में कोई खातून थी जिसको जो है वो काउ पोक्स थी, यानी काउ पोक्स उसे कहते हैं, यानी जो हमारे पास जानवर होते हैं ना उनकी स्किन डिजीज है. तो उसने वो उस मतलब वो क्या करती थी, उस गांव जो गायें थी उसके साथ वो डील करती थी वो औरत. तो उसको क्या लगी, वो बीमारी लगी उस जानवर की वजह से. तो इस बंदे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स होता है ना उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता. तो इसको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी क्या रीजन है कि उनको जो जिनको काउ पॉक्स होता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता. तो इसने क्या किया, उसने उस औरत की स्किन से कुछ स्किन का हिस्सा लेकर ना उसने इस बच्चे की बॉडी के अंदर ना इंजेक्ट कर दिया. और कुछ दिनों बाद इसने देखा कि उस बच्चे को जो है ना वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो वहां से इसने इस बात को निकाला था कि इस बंदे ने वैक्सीनेशन की जो टर्म है उसको डिस्कवर किया, और पहली वैक्सीन भी इस बंदे ने बनाई. कि जो हमारे पास वैक्सीन बेसिकली होती क्या है कि कोई भी जो जरासीम जो बीमारी कॉज करता है ना उस जरासीम की जो वीक फॉर्म है ना उसको हम वैक्सीन कहते हैं. यानी जिस तरह हम अगर हम पोलियो की बात करें तो बच्चों को हम बचपन में पोलियो के कतरे पिलाते हैं, तो वो पोलियो वायरस के ना वो वीक पोलियो वायरस होता है जो हम बच्चों को पिलाते हैं. तो हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे ही वो वीक जर्म्स अंदर जाते हैं वो बीमारी तो नहीं कॉज करते, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है उसके हवाले से अपने सोल्जर्स तैयार कर लेती है. ठीक है, तो जिनको बचपन में पोलियो वायरस की जो है वो वैक्सीन लगी होती है उनको पूरी लाइफ टाइम में कभी पोलियो नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन बन चुकी है. और हमारी बॉडी का निज़ाम इस तरह का है कि उसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रह रहे हैं कि अगर कभी जिंदगी में पोलियो वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो भी जाए तो हमें पोलियो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जो मेमोरी सेल्स हैं उनको उसकी शक्ल बड़े अच्छे से याद होती है कि ये जो वायरस है ना इसको बॉडी को अटैक नहीं करने देना, तो वो उसको उसी वक्त खत्म कर देते हैं. तो ये होते हैं मेमोरी सेल्स. तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, एडवर्ड जेनर. ठीक हो गया, चलें जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है हमारे पास, बायो पेस्टिसाइड्स हैव एडवांटेज ओवर केमिकल पेस्टिसाइड्स बिकॉज, ऑप्शन ए पेस्ट कैन नॉट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम, ऑप्शन बी दे आर चीपर, ऑप्शन सी नॉन पॉल्यूटेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है जी, डी. बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, यानी अगर जो हमारे पास हमारे जो फार्मिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पे हमने फसलें वगैरह उगाई होती हैं, तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो बायो पेस्टिसाइड से क्या मुराद है कि हम वहां पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो छोड़ते हैं जो कि उन पेस्ट को खा लें. ठीक है, हमें कोई जो है ना कोई केमिकल कंपाउंड ना यूज करना पड़े उनको खत्म करने के लिए. ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप बिल्ली रख लें तो चूहे नहीं आएंगे. तो कोई ऐसा मतलब जो हमारे पेस्ट को खत्म कर दें, जो उनको खा जाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स. ठीक हो गया, चलें जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है जी, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ देयर सेलुलर इन्वायरमेंट इज नोन एज, ऑप्शन ए होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी नॉर्मल हेल्थ, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल एडेप्शन, ऑप्शन डी ऑस्मोरेगुलेशन. अच्छा जी, जो हमारे पास होम्योस्टेसिस होती है ना इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, होम्योस्टेसिस. अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक बंदा है जिसको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है. तो उसके रिसेप्टर से उसके दिमाग में मैसेज जाता है कि भाई गर्मी लग रही है, और उसके दिमाग की तरफ से क्या मैसेज आता है कि पंखा ऑन कर लो. ठीक है, यानी जब हमें गर्मी लगती है हमें एक सेंसेशन फील होती है तभी जाके हम पंखे का बटन छोड़ते हैं ना, अगर हमें गर्मी नहीं लग रही तो हम क्यों पंखा चलाएंगे. इसी तरह जब जो हमें सर्दी लगती है तभी हम स्वेटर पहनते हैं. ठीक है, तभी जो है हम जाके क्या करते हैं, आग जलाते हैं, वहां बैठ के आग सेकते हैं. ठीक है, तो
कहने का मकसद यह है कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी के बाहर जितना भी इन्वायरमेंट है, हम उसके लिहाज से रिएक्ट करते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी के बाहर कोई चेंज आ रहा है या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो हमने अपनी बॉडी को वापस नॉर्मल कंडीशन पे लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्सन को बुखार हो जाए तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, ताकि जो बुखार है वो हमारा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ख्याल रखते हैं अपना, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस जो है क्या करे, अपनी लेवल पे आ जाए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मी जो हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो हमें क्या होता है, हमें पसीना आता है, ताकि हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, वो उतना ही रहे, ठीक है। तो पसीना आता है, जब पसीना आता है तो हम उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है, ताकि जो हमारे अंदर का इन्वायरमेंट है उसे हम स्टेबल रख सकें, उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक हो गया जी, चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है हमारे पास, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन। जब हमारे सेल के बाहर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है हमारा सेल, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये हमारे पास सेल है। इस सेल में जो सॉल्यूट है और इसके बाहर जो सॉल्यूट है, अगर तो उनकी कंसंट्रेशन सेम है, यानी जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है, यानी जो हमारे सेल की नॉर्मल कंडीशन होती है, ये वाली दरमियान वाली। और बाज औकात क्या होता है, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रूल याद रख लें कि जो वाटर है ना उसको सॉल्यूट से बड़ा प्यार है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास पानी है, उसके अंदर आप एक चम्मच चीनी डालते हैं, वो सॉल्यूट है, ठीक है, यानी जो भी हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। पानी हमारे पास सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो हमने चीनी डाली वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्या समझाना चाह रही हूँ कि पानी को ना सोल्यूट से बड़ा प्यार है, जहां जहां सोल्यूट होगा पानी वहां वहां जाएगा। अब इस पिक्चर में देखें जो फर्स्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा है, तो बाहर से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां से पानी क्या करता है, सेल के अंदर आता है, तो वो एक टाइम आएगा कि वो सेल बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। और जो हमारे पास ये वाली थर्ड डायग्राम है, इसमें क्या है कि जो सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है ना, वहां पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, वो बाहर इतना ज्यादा सॉल्यूट होता है कि जो सेल के अंदर का पानी होता है ना वो भी बाहर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाता है, सुकड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। ठीक हो गया जी, तो नॉर्मल जो हमारे पास हमारी बॉडी के जो सेल्स की कंडीशन क्या होती है, वो होती है आइसोटोनिक। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। चले जी, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है जी कैंगरू रैट, ये आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये क्या करता है कि इसकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह एडजस्ट की हुई है कि ये जो पत्ते खाता है, लीव्स वगैरह खाता है, उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, उसी से इसका काम चल जाता है, तो ये पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। ठीक हो गया, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजेनियस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंजेशन, एसिमिलेशन, डीअमाइनेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास असल में तब बनते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है, और जो बाकी बचा कुचा होता है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। तो उसमें क्या कहते हैं हम कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो हमारे पास कब बनेंगे, डी अमाइनेशन में, यानी जब प्रोटीन, प्रोटीन हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स की बनी होती है,
और अमाइनो एसिड से जब हम अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे, ठीक है, हमारी बॉडी उसको वेस्ट करने के लिए निकाल देगी, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डी अमाइनेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है जी? डी अमाइनेशन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजेनियस वेस्ट नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स इज मच मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी अमोनिया। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, तीन डायग्राम है आपके सामने। जो हमारे पास ये वाली ब्लू वाली डायग्राम है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी जो ओशन में रहते हैं या मेरीन में रहते हैं, उनका जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है ना, यानी जो वो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, वो होता है अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास सेकेंड जो है ना, जिसके अंदर हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो हम अपनी बॉडी से यूरिया निकालते हैं। यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए कम पानी चाहिए, ठीक हो गया। यानी नेचर ने हमें अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से हर चीज एडजस्ट की हुई है। यानी जिस इन्वायरमेंट में उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो भी उसी के मुताबिक ही है। जो पानी में रहते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी या जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है वो क्या है? अमोनिया है। जो लैंड पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको गाय की पिक्चर शो की हुई है, या इंसान है, इनका जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है वो होता है हमारे पास यूरिया। और जो बाकी जो होते हैं, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, कुछ रिप्टाइल्स आ जाते हैं, उनका क्या होता है? यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, ठीक हो गया। चले जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं ना, राइटिंग के लिए माजरत स्टूडेंट्स, ये क्या बनाती है? प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास? अमाइनो ग्रुप कहते हैं जिसके अंदर, यानी वो होता है जी NH2, ये इसका बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखें कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो बनी होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और अमाइनो एसिड्स के अंदर ग्रुप होता है अमाइनो, अमाइनो ग्रुप होता है। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी अमाइनेशन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट है जी? द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रिडिया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, नेफ्रोटोम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। ये सामने आपके किडनी है, तो हमारी किडनी के अंदर जो ढेर सारे जो फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं, वो हमारे पास क्या है? नेफ्रोन है। यानी इसी सिस्टम के थ्रू क्या होता है? हमारा ब्लड गुजरता है, और इसी के अंदर जो क्या होती है, यहाँ पे आके, एंड पे आके, एक मिनट, ये यहाँ पे इस साइड पे, एंड पे आके जब ये क्या होता है हमारे पास? यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो क्या है जी? नेफ्रॉन। चले जी, अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास? द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज एलेंटोइन, बिलीरुबिन, एक्जेंथिन, क्रिटिनाइन। तो जो हमारे पास होते हैं ना रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जब भी बात हो, तो इसका मतलब हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? कि जो हमारे इन्वायरमेंट है वहां से ऑक्सीजन जाती है, हम सांस लेके ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने लंग्स के अंदर, वहां से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो ब्लड के जरिए किए जाते हैं। जो चीजें बॉडी से बाहर निकालनी होती हैं, उनको भी हमारा ब्लड कैरी करता है, और फिर जैसे हमने बात की ऊपर किडनी की, तो उसके थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। तो जब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका लाइफ टाइम होता है जी 120 डेज। हर 120 दिन बाद ये क्या होते हैं? ये लिवर में जाते हैं, वहां जाके लिवर इनको, इनकी तोड़ फोड़ करता है,
और उसमें एक एंड प्रोडक्ट बनता है जो कि होता है बिलीरुबिन। अब नेचर ने क्या किया हुआ है कि ये बिलीरुबिन भी जाया नहीं है, ये हमारे लिवर के अंदर बनता है, और जब हमारी डाइजेशन यानी खाना हजम करने का प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, तो नेचर ने कोई चीज भी क्या है जाया नहीं बनाई, जाया करने के लिए नहीं बनाई, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है हमारे पास। चलें जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास। लिवर स्टोर द विटामिंस ए डी ई एंड के विच आर द मेनली फैट सोल्युबल, कोल्ड वाटर सोल्युबल, अल्कोहलिक सोल्युबल या फिर हॉट वाटर सोल्युबल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है जी, हमारे पास फैट सोल्युबल। दो तरह के विटामिंस होते हैं, कुछ हमारे पास फैट सोल्युबल होते हैं और जो दूसरे हमारे पास वाटर सोल्युबल होते हैं। तो विटामिन ए डी ई एंड के क्या है, हमारे पास फैट सोल्युबल है। तो हमारे लिवर के अंदर जो क्या है फैट स्टोर हुआ होता है, तो ये वही जो है पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी, अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, मसल, किडनी या ब्लड। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है जी, लिवर। ठीक है जी, क्योंकि जो क्रिएटिनिन है ये हमारे पास कह लें एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है, लिवर के अंदर होती है। चलें जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास। ईच नेफ्रॉन हैज अ मैस ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच आर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय द ब्लाइंड एंडिंग रीजन ऑफ द टिब्यूल इज कॉल्ड। तो जो ऊपर हमने नेफ्रॉन की पिक्चर देखी है उसमें आप दोबारा देखें कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, तो वो इस इसकी बात कर रहा है, ये जो रेड कलर का, डार्क रेड कलर का है। तो ये जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी भी ये जो बाउमेंस कैप्सूल है या लूप ऑफ हेनले, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी नेफ्रोन के ही पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, बाकी वेजा रेक्टा ये भी इसी में ही आ जाता है। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है जी, क्वेश्चन है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी जो हड्डी है ना, वो कौन सी है, स्टेपीज, यानी ये वाली, ये यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है, ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमारे कान के भी तीन हिस्से होते हैं, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। तो मिडल मिडल ईयर के अंदर ये तीनों हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से जो ये जो स्टेपीज है, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक हो गया, चलें जी, अब हम चलते हैं जी। बाकी जो इसमें ऑप्शन ए है 21 एमसीक्यूज के अंदर, अगर हम इसको देखें, तो जो हमारे पास वर्टिब्रे है, ये क्या है हमारे पास, जो हमारे जिनको हम सादा जुबान में मैं कहूँ तो जिनको हम मोहरे कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लेंजेस हैं, ये जो ये हमारी उंगलियों के अंदर पाई जाती हैं, और ये जो मेटाकार्पल्स हैं, ये हमारी जो पाम होती है, तली होती है, उसके अंदर पाई जाती है। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है हमारे पास एंजाइम्स हेल्प इन रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, इम्यून सिस्टम। पहले तो हम देख लेते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हमारे पास होते हैं जी, प्रोटीन्स होती हैं ये भी हमारे पास। ठीक है, तो एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फूड की डाइजेशन में। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, इसके अलावा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइड होती है, जहां भी जाके जो सबस्ट्रेट है, आप यहाँ पे फूड को सबस्ट्रेट समझ लें। ठीक है, जब वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे जाके लगता है, तो एंजाइम उसे क्या करता है, उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो हमारे पास एंजाइम है वो दोबारा से फ्री हो जाता है, यानी अब मजीद वो काम कर सकता है। ठीक है, ये अगेन अगेन एंड अगेन ये हमारी बॉडी में यूज होते हैं। एंजाइम की
बारे में एक बात ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो पता नहीं कितने साल लग जाए कि आपने जो एक टाइम का खाना खाया उसको हजम करने में पता नहीं कितने साल लग जाए। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट है मेरे पास और दोनों को मैं कहती हूँ कि कोई सामने उनके एक दीवार है और उनको मैं कहती हूँ कि दीवार के उस साइड पे जाओ, और एक स्टूडेंट जो है वो मतलब बगैर सीढ़ी के जाता है और एक स्टूडेंट है जो खुद से कोशिश कर करके जाता है, तो जो सीढ़ी के साथ जाएगा वो डेफिनेट सी बात है वो जल्दी उस दीवार को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो एंजाइम्स भी बिल्कुल इसी तरह है हमारी बॉडी के अंदर कि खाने को जो है वो बहुत जल्दी से हजम कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो पता नहीं एक एक टाइम के खाने को हजम करने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाए। ठीक हो गया, और इसके अलावा प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होते हैं, फैट्स के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है ना हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। चलें जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा जी, अ ह्यूमन अडल्ट हैज हाउ मेनी बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं हमारे जिस्म के अंदर। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी के अंदर 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो उसके अंदर क्या होता है कि हड्डियां फ्यूज होती जाती हैं, और एक टाइम आता है जब वो अपनी अडल्टहुड में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर 206 टोटल हड्डियां होती हैं। ठीक हो गया, तो ये आप स्केलेटन देख सकते हैं, उसका लेटरल व्यू भी दिखा दिया, बैक व्यू भी दिखा दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 206। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन किडनी, लीवर, बोन मैरो या हार्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जी हमारे पास बोन मैरो, यानी जो हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक हो गया, यानी हमारी हड्डियों के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, फिर वो 120 दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं, देन वो लीवर के पास चले जाते हैं, वहां पे लीवर उनका उनकी ब्रेक डाउन करता है, उसमें से कुछ चीजों को वापस वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें से जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो हमने देख लिया था बिलीरुबिन बनता है, वो अगेन हमारी डाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और जो हमारी किडनी का काम है, किडनी के काम को समझने के लिए आप सिंपल ये बात ज़हन में रख लें कि ये हमारी बॉडी की डस्टबिन है। ठीक है, यानी डस्टबिन इस सेंस में कि ये हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करता है। ठीक हो गया, इसके अलावा जो लीवर की बात करें तो लीवर का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा काम है, फैट्स को भी स्टोर करता है, जिस तरह हमने रेड ब्लड सेल्स का भी काम देखा, इसका डाइजेशन के अंदर भी इसका काम है। ठीक है, और बाकी हार्ट का तो हमें पता ही है इसका काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक हो गया, चले जी अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है जी, टिबिया इज अ बोन फाउंड इन आर्म, स्कल, लेग या फेस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन सी लेग, ये जो ये वाली ये बारीक से जो कह लें कि हड्डी है इसको हम क्या कहते हैं टिबिया, और ये जो साथ वाली ये क्या है फिबियोला। ठीक है, तो ये जो बोन है ये कहाँ पाई जाती है, हमारी लेग के अंदर पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 25 एमसीक्यूज। लेक्चर एंड करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात कि लाइफ बहुत छोटी सी है स्टूडेंट्स, अपने लिए भी आसानियां करें और दूसरों के लिए भी लाइफ में आसानी पैदा करें। अगर आप दूसरों के लिए थोड़ी सी भी आसानी पैदा करेंगे तो नेचर आपके लिए आसानी पैदा करेगी। ठीक है जी, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी सबके साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।